ऑयलिंग के कितनी देर बाद हेडवॉश करना चाहिए हफ्ते में कितनी बार हेडवॉश करना चाहिए कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए तौलिए का इस्तेमाल ठीक से कैसे हो सकता है क्या हमें नहाने के बाद वो टर्बन वो जो पगड़ी हम बनाते हैं तौलिए से वो बनानी चाहिए नहाने के बाद कंगी करें पहले कंगी करें आई I मीन mean... हेड वॉशिंग नहीं हो गई पूरी टेंशन हो गई तो चलिए आज इस टेंशन को कम किए देते हैं आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूं अबाउट हेड वॉशिंग कब करें कैसे करें किससे करें क्या करें क्या ना करें सारी डायमेंशन टच करने वाली हूं दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर हेड वॉशिंग आज के बाद आपको हेड वॉशिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बालों को आई एम सॉरी जरूर बोलेंगे क्योंकि आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स दिखेंगी और बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे उन्हें ठीक करने के लिए तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा and please be very vigilant let's check out what उट वीड्स टू बीस्टर्ड प्रेरणा के चैनल पर मैं स्वागत करती हूं अपने दोनों ही परिवारों का आशा करती हूं आप दोनों ही खुश हैं स्वस्थ हैं संपन्न हैं अपना ख्याल रख रहे हैं क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को अच्छे से सॉर्ट करना शुरू कर चुके हैं दोनों परिवार जी एक तो आपके सामने ही है जो सब्सक्राइबर बटन के नीचे आपको दिख रहा है कि कितने सब्सक्राइबर्स इस परिवार में है और दूसरा परिवार वो है जो दिखता नहीं है जी हाँ और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेरा वो वाला परिवार इस परिवार से कई ज्यादा बड़ा है जी हाँ मेरी जो रिटर्निंग ऑडियंस है वो वन मिलियन से भी ज्यादा है और वो सब्सक्राइब नहीं कर रही है मैं आई आस्क यू वाई आप लोग वापस आते हैं वीडियोस देखते हैं एंजॉय करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं देखिए प्लीज नीचे या तो रीजन लिख दीजिए कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं ताकि मैं अपने आप को इंप्रोवाइज कर सकूं और आपको प्रूव कर सकूं कि आप इस परिवार का हिस्सा डेफिनेटली बन सकते हैं इट वुड बी एन ऑनर इट वुड बी ग्रेट टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ माई फैमिली और मैं आप सभी का स्वागत दिल से और एक ही बार में कर सकू तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल आई वुड डेफिनेटली बी वेटिंग फॉर इट एंड टू ऑल ब्यूटिफुल एक्जिस्टिंग ऑडियंस आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं मतलब एक मिलियन की फैमिली के लिए बीस हजार लाइक कौन सी बड़ी बात है भाई कुछ भी नहीं है तो जल्दी से आज ही बीस हजार लाइक्स हो जानी चाहिए इस वीडियो में सो बिफोर स्टार्टिंग हेयर वॉशिंग 101 लेट मी टेल यू कि ये पर्टिकुलर वीडियो मैं क्वेश्चन फॉर्म में करने वाली हूँ हर प्रश्न के बाद मैं आप लोगों को तीन ऑप्शन दूंगी और आपको सिलेक्ट करना है कि करंटली आप क्या कर रहे हैं ताकि आपको दिख सके हम सब भी जज कर सके कि क्या गलतियां हो रही थी और कैसे हम इनको रेक्टिफाई कर सकते हैं सो रेडी एवरीबडी जल्दी से नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए सबसे पहला प्रश्न है कि हेयर वॉश करने के लिए पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए गर्म होना चाहिए ठंडा होना चाहिए या ल्यूक वार्म होना चाहिए देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं लिखना है आप करेंटली क्या कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है तो अगर आप कोल्ड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिलीव मी इट्स एब्सोल्युटली नॉट ओके क्योंकि आपके क्यूटिकल्स ठंडे पानी से बंद हो जाते हैं और जो आप वॉश करना चाहते हैं एक्सेस ऑयल ड्रेन करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता गर्म पानी आपके क्यूटिकल्स को और भी ज्यादा खोल देता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली डैमेज ही होता है क्योंकि आपका एक्सेस ऑयल लेकर वो चला जाता है एंड आपके बाल ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं म वाटर इज द करेक्ट आंसर एंड आपका जो का पानी होना चाहिए वो ल्यूक बिलीव मी लूक वाटर में इतनी ताकत है कि बिना शैम्पू के आप सिर्फ अपने डुबा दीजिए तो भी आपका हेड वॉश हो जाएगा जी हाँ तो इसीलिए आपका हेडवॉशिंग का जो पानी है इट शुड बी लूक वा गर्म ना ठंडा गुनगुना नंबर टू हेडवॉश करते हुए आपके हाथों का मोशन कैसा होना चाहिए शुड इट बी जिगजैक्ट या फिर इट शुड बी सर्क्युलर मोशन सारे के सारे बालों को एक साथ ऐसे या फिर इट शुड बी साइड वेज लाइक सो कौन सा ऑप्शन करते हैं आप देखिए इट शुड नॉट बी जिक्सै क्योंकि आप अपने बालों को कंप्लीटली उलझा देते हैं इट शुड नॉट बी कंप्लीटली सर्क्युलर यू नो क्योंकि सर्कुलर में क्या होता है जिनके बाल हाईपरॉसिटी के हैं वो आपस में उलझने के चांसेस सेंट परसेंट हंड्रेड परसेंट उलझेंगे ही उलझेंगे सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड ऑप्शन करेक्ट वे इज कि आप अपने उंगलियों को लेकर और सिर्फ साइडवेज उसको चाहे आगे हो चाहे पीछे हो आप सिर्फ साइडवेज ही मोशन रखेंगे वाइल वॉशिंग योर हेयर ना तो उलझेंगे ना ही किसी प्रकार की परेशानी होगी दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड क्वेश्चन एंड दैट इज आपको शैंपू कहां करना चाहिए स्कैल्प पर करना चाहिए लेंथस पर करना चाहिए या एंड्स पर करना चाहिए वॉट इज योर करेंट आंसर देखिए अगर आप सिर्फ एंड्स पे शैंपू लगा के और फिर अपने ऊपर पे लगाते हैं बहुत सारी आंटियां करती हैं ऐसा आई नो बट दिस इज नॉट अ हेल्दी हैबिट अगर आप लेंथ पर शैंपू लगाते हैं दैट इज नॉट ओके बिकॉज आपको जो फुल पोटेंशियल है शैंपू का वो नहीं मिल पाता है सो द करेक्ट आंसर इज कि आपको शैंपू सिर्फ स्कैल्प पे करना चाहिए आपके बाल कितने भी लंबे हो जी हाँ आपको अपने बालों में जो शैंपू है वो लेके बैक साइड फ्रंट पोर्शन एंड नीचे की तरफ उसी शैंपू से वॉश करना चाहिए आप समझ रहे हैं आपको अलग से नहीं लेना है लेंथ के लिए स्कैल्प को अच्छे से वॉश करना है एंड देन लेंथ वाइज वॉश करना है एवरीबडी तो तीन क्वेरीज तो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कैसे क्या और कैसे करना चाहिए नंबर फोर कितना शैंपू यूज करना चाहिए शुड इट बी टू टेबल स्पून शुड इट बी फोर टेबल स्पून या एट टेबल स्पून लेट मी गाइड यू अगर आप एक पूरा हाथ भरकर एक हथेली भर कर, कर शैंपू लगाते हैं तो वो दो टेबल स्पून है एंड नाउ यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ आप कौन सा करंटली इस्तेमाल कर रहे हैं डोंट से कि आदमी और औरत का अलग अलग होता है स्कैल्प साइज सबका सेम ही है और मैंने आपको कहा आपके कितने भी लंबे बाल हैं आपको सिर्फ स्कैल्प ही धोना होता है और लेंथ यू नो ग्रेजुअली धुलती है सो so, The answer would be the same for anybody. So the correct answer is 2 tablespoon पीछे एंड टू tablespoon फ्रंट में जी हां चाहे आप आदमी हैं चाहे आप औरत हैं इडासन मेक एनी डिफरेंस क्योंकि आपको स्कैल्प वॉश करना है और स्कैल्प को वॉश करने के लिए आप यू नो चार अगर आप पंप से ले रहे हैं तो चार पंप लेंगे अपने सिर्फ पीछे के बालों को वॉश करेंगे साइडवेज फिर आप दोबारा लेंगे और फ्रंट को करेंगे अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं अगर आपके बाल छोटे हैं देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग जी हाँ जब लेदर बन जाएगा उसके बाद आप उस लेदर को अच्छे से साइड वेज यू नो करके जैसे आप पानी डालेंगे वो नीचे बहेगा उसी लेदर से आप अपनी लेंथ को धोएंगे सो द करेक्ट आंसर शुड बी फोर टेबल स्पून टू फॉर ईच साइड ऑफ योर स्कैल्प लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अगर आपका जो करंट यूजेज है वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो कंटिन्यू विद इट ये उन लोगों के लिए अमेंडमेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी बालों में काफी परेशानियां हैं और उनको फिक्स करना है सो प्लीज मेक श्योर अगर आपको ये छोटी छोटी जानकारियां चाहिए तो आप इस तरीके से अपने आप को अमेंड कर सकते हैं क्वेरी नंबर फाइव कितना लैदर बनना चाहिए बहुत सारा लैदर बनेगा तो ही हमारे हेड वॉश होंगे थोड़ा सा लैदर बनेगा तो भी हेड वॉश हो सकता है आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोगों का करंट आंसर होने वाला है कि जब तक बहुत सारा झाग नहीं बनेगा बाल नहीं धुले बट दिस इज नॉट करेक्ट जी हां मैंने आप सभी के साथ डी आई शैम्पू प्रिपेयर किया था जिसका बहुत सारा झाग नहीं है लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्या मैजिकली वो आपके बालों को क्लीन कर देता है सो so, लेदर कोई पैरामीटर नहीं है कि बाल धुलेंगे या नहीं धुलेंगे इट इज ऑल अप टू यू कि आप यू नो साइकोलॉजिकल होता है कि भैया झाग नहीं बना तो बाल नहीं धुले बट इट्स नॉट ट्रू सो प्लीज अपने आप को सही इंफॉर्मेशन के टूवर्ड्स गाइड कीजिए ताकि अगर झाग नहीं भी बनता है किसी अच्छे शैम्पू से सो यू डोंट जस्ट शन इट क्वेरी नंबर सिक्स हाउ ऑफन हमें शैम्पू करना चाहिए यानी कि हफ्ते में कितनी बार एक बार दो बार तीन बार या हर दिन क्या कर रहे हैं आप करंटली जल्दी से बताइए देखिए ये सारे आंसर सही हैं जी हाँ आप एक बार दो बार तीन बार हर दिन भी सर धो सकते हैं क्योंकि सर धोना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जी हाँ कॉलेज डेज में मैंने अपने बाल हर दिन धोए हैं दो मेरे बाल इतने लंबे नहीं थे बट स्टिल आई हैड लाइक शोल्डर कट लेंथ उसके बाद भी मैं हर दिन बाल धोती थी क्यों धोती थी बिकॉज मैं बस से ट्रैवल करती थी कॉलेज और मेरे बाल बहुत गंदे हो जाते थे और गंदे बालों को रखना इज एप्सोल्यूटली नॉट एडवाइजेबल तो मैंने हर दिन सर धोया है जी हां बिलीव मी इट एक पूरा सीजन पूरा मतलब एवरी सिंगल डे आई वॉश माई हेयर एक्सेप्ट संडेज बट जब भी मैं बस से ट्रैवल करूंगी तो मुझे हेड वॉश करना है एंड इट वाज एब्सोल्युटली ओके देखिए जब शरीर में बीमारी होती है तो दवाइयां खप जाती हैं जब बीमारी नहीं होती है तो दवाई भी यू नो रिएक्शन करती है दैट्स द ओनली फंडा ओवर हियर कि अगर आपका कोई ऐसा जॉब है कि आपको फील्ड जॉब है हर दिन बाहर जाना है तो हर दिन हेड वॉश कीजिए भाई बाल गंदे थोड़ी रखेंगे एंड सो ऑन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि यू नो ऑयल वाइप ऑफ हो जाएगा देखिए ऑयल के साथ डर्ट है रखना चाहेंगे क्या नहीं ना तो उसको वाइप ऑफ करना आवश्यक है सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर आपका बिल्कुल ड्राई स्कैल्प है तो प्रॉपर ऑयलिंग के बाद ही हेड वॉश करना है अगर आपका यू यू नो नो कॉम्बिनेशन स्कैल्प है you know, तीन चार दिन में ऑयल आता है तो आप अपने बालों को अच्छे से हफ्ते में दो बार ही धो सकते हैं एब्सोल्युटली फाइन लेकिन अगर आपके बाल ऑयली ऑलरेडी हैं तो आप हफ्ते में तीन बार सर धो सकते हैं मेरी तरह एंड यूल कंडीशनर्स कितनी देर के लिए बालों में रहने चाहिए थ्री मिनट्स फाइव करेंटली देखिए अगर आपने पंद्रह मिनट लिखा है तो में आप इन द लॉन्ग रन अपने बालों को डैमेज ही कर रहे हैं uh, पार्लर में तो करते हैं ऐसा जी पार्लर में तो डेफिनेटली करते हैं लेकिन वहां पर यू नो बैलेंसिंग एक्टिविटीज हो जाती है मे बी दैट्स वाई आप बच जाते हैं बट पंद्रह मिनट कंडिशनर बालों में इज अ लॉट लॉट फॉर दू टेक तो प्लीज अपने बालों में कंडीशनर को तीन मिनट से पांच मिनट के बीच रखिए नॉट मोर देन दैट एंड ऑल्सो कंडीशनर्स कभी भी स्कैल्प पर नहीं लगता है बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएंगे आपके बाल सिर्फ लेंथ पर लगाएंगे फाइन एवरीबडी सो आई होप कंडीशनर्स पहली बात तो मार्केट बेस शन कर सकते हैं आप प्री कंडीशनर्स घर पर लगाइए बट ऑल राइट अगर आप यूज करते हैं तो दिस शुड बी द वे कौन सा वाला टाल लगाना चाहिए माइक्रोफाइबर फाइबर टाल यूज करना चाहिए या कॉटन टाल यूज करना चाहिए या कोई भी सिंथेटिक टाल यूज करना चाहिए कौन सा चीज आप करंटली कर रहे हैं देखिए अगर आपने सिंथेटिक टाल लिखा है तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन लेकिन अगर आपने कॉटन फाइबर कहा है या माइक्रोफाइबर कहा है इधर वेज दे आर गुड फॉर योर हेयर माइक्रोफाइबर फाइबर टाल उन लोगों के लिए कमाल के होते हैं जिनके बाल बहुत ही फ्रेजल होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं और जल्दी से टूट जाते हैं वो माइक्रोफाइबर टाल का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी जेंटल आपके बालों में और कोई भी हेयर स्ट्रैंड वो चार्ज नहीं करते हैं सो दैट कुड बी अ वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट अदरवाइज आप नॉर्मल टाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने के बाद आप बालों को कैसे सुखाते हैं क्या आप टर्बन बनाते हैं वो जो पगड़ी बालों को अच्छे से लपेट के बनाते हैं वो बनाते हैं या फिर आप सिंपल बालों को यू नो कैसे लपेट लेते हैं एंड दैट्स सॉल्व या फिर आप अपने बालों को अच्छे से झटकते हैं कि सारा का सारा पानी रिलीज हो जाए क्या कर रहे हैं आप करेंटली देखिए अगर आप अपने बालों को झटक रहे हैं इट इज नॉट ओके इट इज नॉट ओके इट इज नॉट ओके हमारे बालों को वो आदत नहीं है पहले के जमाने में किया है बहुत लोगों ने एंड दे हैव हैड वंडरफुल हेयर आई एग्री पर अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है हमारे बाल इतने स्ट्रांग नहीं है इसीलिए दैट्स नॉट प्रिस्क्राइब अगर आप सिंपल अपने बालों को यू you नो know, चुन्नी की तरह सर पे लेके और बांध लेते हैं शायद मैं आपको साइड में दिखाऊं तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं लेकिन ऐसे में आपके बाल बहुत ही यू नो बहुत ही छुईमुई हो जाते हैं क्योंकि वो जैसे रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं आपने उनके साथ कोई भी यू नो प्रैक्टिस नहीं करी है कुछ भी उनको यू नो लेफ्ट राइट मूव नहीं किया है एंड दैट्स नॉट प्रिस्क्राइबेबल ऑल्सो लेकिन इट इज फिर भी डुएबल क्योंकि यू नो जिनके बाल फैजल है या हल्के हैं या यू नो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते दिस इज डुएबल जो पगड़ी बांधते हैं ये मैं आपको पहले ही बता रही हूं Uh, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि इस तरीके से यू you नो know, पगड़ी बांध के और फिर वो रहते हैं टर्बन बांधते हैं अपने सर पे दैट्स एब्सोल्युटली डूएबल फॉर द पीपल जो जम के मालिश करते हैं अपने बालों में क्योंकि आपकी जो हेयर लाइन होती है वो इफेक्ट हो जाती है टर्बन से क्योंकि आपके हेयर लाइन के बाल बहुत हल्के होते हैं और जब आप टर्बन बांधते हैं तो आगे के बाल पुष्श होते हैं तो वो चीज आप नहीं करेंगे अगर आपके बेबी हेयर आ रहे हैं आपका हेयर लाइन इफेक्ट हो रहा है देन यू वोट डू इट अदरवाइज नो प्रॉब्लम लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीरम्स एंड हीट प्रस किस समय पर बाल धोने के किस समय बाद आपको अपने बालों में लगाना चाहिए क्या हमें इमीडिएट गीले बालों में लगा लेना चाहिए क्या हमें सेमी ड्राई बालों में लगाना चाहिए या बिल्कुल सूखे हुए बालों में लगा लेना चाहिए देखिए द करेक्ट आंसर इज सेमी ड्राई हेयर अगर आप गीले बालों में लगाएंगे तो आपकी जो ओरिएंटेशन है ये जो आपका जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो क्यूटिकल्स में अटक जाएगा और फिर आपको दोबारा से हेड वॉश करते टाइम परेशानी होगी अगर आप बिल्कुल सूखे हुए बालों में लगाते हैं तो प्रोडक्ट वेस्ट होगा क्योंकि पूरे बालों में तो यूनिफॉर्मली लगेगा नहीं और कहीं कहीं पे लगेगा कहीं कहीं पर नहीं लगेगा सो द करेक्ट आंसर इज सेमी ड्राई हेयर जब आपके बाल यूनो फिफ्टी परसेंट सूख जाए तब आप प्रोडक्ट को लगा के कोम कर सकते हैं तो यूनिफॉर्मली पूरे बालों में चला जाएगा एंड दैट्स द राइट टाइम जब आप इन प्रोडक्ट्स को अपने बालों में डालें सो आई होप कि इन दस प्रश्नों में मैंने बहुत सारी डायमेंशन कवर की हैं रिलेटेड टू योर हेयर वॉशिंग अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हैं आई बी देयर टू आंसर ऑल ऑफ देम अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएटर जी हाँ यही है मेरा यू नो एग्जिबिशन की मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूं और मैं जानती हूं मेरा परिवार मुझे डेफिनेटली आगे रखना चाहेगा सो डू थम्स अप और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा एंड टू ऑल माई रिटर्निंग ऑडियंस आज सब्सक्राइब किए बिना रिटर्न मत होइएगा प्लीज कम आउट ऑफ दैट रिटर्निंग ऑडियंस एंड बी अ पार्ट ऑफ माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर्स ओवर हियर मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विथ समथिंग मैजिकल फॉर यू तब तक के लिए अच्छे से वॉश कीजिए और इन सभी बातों का ख्याल रखिए आई लव यू ऑल टेक वेली गुड केयर ऑफ यू